तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पहुंच चुका हूं गोरखपुर, गोरखपुरिया भौजी जी के पास मैं यहां पर आ गया हूं। तो दोस्तों आइए, अब मतलब मैं भौजी से कुछ क्वेश्चन पूछता हूं जिसका रिप्लाई वो देंगी। तो सबसे पहले भाभी जी ये बताइए कि आपने वीडियो बनाना कैसे स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्ते करूँगी, प्रणाम करूँगी। और पहले मैंने वीडियो ऐसे ही मतलब देखा जैसे लोग बनाते थे, तो मुझे भी मन किया कभी बनाने का, तो मैं भी बना ली। और ये बताइए कि आपके फैमिली में मतलब कौन कौन रहता है, जैसे आपके अलावा और कौन, आपके हस्बैंड और कितने बच्चे हैं आपके पास? हमारी एक बेबी है जी, और हमारे हस्बैंड हैं, सास ससुर हैं, 3 देवर हैं, 2 ननद हैं। मतलब आपने वीडियो बनाना कब से स्टार्ट किया था, किसी को देखकर या फिर किसी से, मतलब कैसे स्टार्ट की थी आपने वीडियो बनाना? एक लड़का है यहीं का, एक लड़का है कनौजिया है, वही बोले थे कि मैंने आपका वीडियो, जैसे पहले मैं 2-3 वीडियो बनाई हुई थी, बनाती नहीं थी वीडियो, मुझे कोई शौक नहीं था वीडियो बनाने का जी। तो वही लड़का बोला कि भाभी आप लड़की हो के आपके 40 फॉलोअर हैं और मेरे 80 फॉलोअर हैं। तो मैंने वीडियो बनाया और मेरे 4-5 दिन में 5,000 फॉलोअर कंप्लीट हो गए, और तभी से मैंने वीडियो बनाना चालू किया। मतलब जब आप कहीं घर से बाहर निकलती हैं तो मान लो कोई रोड पे आपको पहचान लेता है तो आपको बुलाने की कोशिश करता है, मान लीजिए अगर आपके हस्बैंड या फिर कोई आपके साथ में है, तो आपका रिएक्शन या फिर आपके हस्बैंड का रिएक्शन कैसा रहता है उस समय? एकदम नॉर्मली रहता है, क्योंकि कॉमन बात है, अभी तो आदत पड़ गया हमें, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं यहाँ भी रहती हूँ या फिर कहीं मैं बाहर भी जाती हूँ तो लोग मुझे पहचान लेते हैं, तो मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि नमस्ते भाभी, तो मैं रिप्लाई देती हूँ तुरंत। मतलब आपने, मतलब आपका सबसे पहले वीडियो कौन सा था जो वायरल हुआ, जिससे लोग आपको जानने लगे कि आप भी वीडियोज बनाती हैं? जी, हमारा वीडियो वायरल हुआ था, एक लिपसिंग वाला वायरल हुआ था, और एक जब मोदी जी लॉकडाउन लगाए हुए थे तब वायरल हुआ था। भाभी जी ये बताइए कि आपका रियल नेम क्या है और आपका नाम गोरखपुरिया भौजी कैसे पड़ा? जी, हमारा नाम रिंकी राय है रियल नेम जी, और गोरखपुरिया भौजी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी शादी हो चुकी है तो मुझे पहले से ही लोग भाभी भाभी बोलते थे। और ऐसे ही एक बार मेरा MNG था बी पार्क में, तो वहीं पे मेरा दूसरा ID बना जी, जो गोरखपुरिया भौजी तिपन से बना, तभी से मेरा और मतलब खुल के आ गया नाम गोरखपुर। तो मतलब सबसे पहले लोग आपको किस प्लेटफॉर्म पे जानना मतलब शुरू कर दिए थे, जैसे टिकटॉक तो मतलब बैन हो चुका था, उसके बाद आप कहाँ पर आई थी, मतलब यूट्यूब पर या फिर स्नैक वीडियो पर? मैं स्नैक वीडियो पे आई थी, उसके बाद इंस्टाग्राम पे आई थी जी, सबसे लास्ट में मैंने यूट्यूब, यूट्यूब सबसे लास्ट में है। तो अब तो सुनाई दे रहा है, मतलब अब तो स्नैक वीडियो भी बैन हो चुका जी, है वो भी बैन, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, मतलब कैसा लग रहा है? कुछ नहीं, मुझे थोड़ा भी अफसोस नहीं है, क्योंकि सरकार ने बंद किया है तो कुछ सोच के ही बंद किया होगा, कुछ हम लोगों के भले के लिए किया होगा। और टिकटॉक भी बंद हुआ तो वो भी अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि वो चाइनीज ऐप था और बहुत सारे डाटा हम लोग का चुरा के उन लोगों के पास जाता था, तो अच्छी बात है बंद हो गया, तो कोई हमको शौक नहीं लगा और ना ही लगेगा, क्योंकि मैं किसी लिपसिंग की वजह से फेमस नहीं हुई, मैं अपने खुद की आवाज़ से फेमस हूँ और मैं जहाँ भी जाऊँगी तो मेरा जलवा तो रहेगा ही। वो तो है ही भाभी जी, क्योंकि मतलब जो रियल होता है वो छिपता नहीं, लोग पहचान लेते हैं। तो ये बताइए कि मतलब जैसे आपका जो डायलॉग रहता है, मतलब जो आप कॉमेडी करती हैं जो देवर करके और करके है, जरा आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सुनाना चाहेंगे। पहले हमारे दर्शक, जैसे हम पहले हमारा पहले मैं बोली थी कि देवर पौना करके मैं बात करती थी, थोड़ा अपने अंदाज में डायलॉग कहिएगा तो। जी, हम पहले बोलते थे कि का हो हमारा देवर पौना लोगन जी, तो लेकिन अब ये अंदाज हम चेंज कर दिए हैं, क्योंकि हम मूवी ज्वाइन कर लिए हैं तो रहन सहन के हिसाब से लैंग्वेज अपना चेंज करना पड़ता है, हमको ही नहीं सबको करना पड़ता है, तो ऐसे मैं कर ली हूँ और देवर पौना की जगह मैं सोना लगाती हूँ। एक बार वो बोल लीजिए थोड़ा सा। मैं बोलती हूँ कि का हो हमारे सोना लोन, कैसन हाल चाल बा, कैसन बाड़ा लोगन, हाल चाल ठीक बा कि ना बा, अरे हमार मतलब फैन लोग बाड़ा जौन हमके बहुत बहुत अच्छा तरह से जानता ना कि हम कौन कौन लैंग्वेज में बात करी ना, तो सब लोग जाना थे। तो आपने मतलब वो कौन सा मूवी है जिसमें आप काम कर रही हैं इस समय? जी, इस समय मूवी लगी हुई है जिसका शूट चल रहा है, जुगाड़ी, हम है जुगाड़ी, जो कॉमेडी वीडियो मूवी है जी, जिसके हीरो एक्ट्रेस भैया हैं और अनाड़ी ऑटो वाले के हीरो पहले रह चुके हैं, वो मूवी रिलीज भी हो चुकी है, और जिसमें पता नहीं कौन सी बहन है, अंजना सिंह थी उस मूवी में हीरोइन, और हमारे क्रिस भैया थे अनाड़ी ऑटो वाले में, जो मूवी रिलीज हो चुकी है। और दूसरा मूवी जो शूट हो रहा है उसका नाम हम है जुगाड़ी, कॉमेडी है, तो उसके हीरो भी अनाड़ी ऑटो वाले के हीरो एक्टर क्रिस भैया हैं और हीरोइन गरिमा मौर्या हैं, सेकेंड लीड में अनुष्का तिवारी हैं,
और जिसमें भाभी का रोल मेरा है। तो मतलब जैसे मैंने आप देखा कि आप मतलब हीरोइन का एक्टिंग नहीं करना चाहती हैं, एज ए मतलब आप भाभी का रोल अदा करना चाहती हैं, तो इसके पीछे का राज क्या है, मतलब क्यों आप भाभी बनना चाहती हैं एज ए मतलब हीरोइन नहीं? जैसा कि आप जानते हैं मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ जी, और जैसा देश वैसा भेष करना पड़ता है। मैं कहीं भी रहूँगी एक दिन अपने घर ही आऊँगी, तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं जब कहीं भी रहूँ और वहाँ से एक बार घर आऊँ तो मुझे लोग गलत नज़रिए से देखें, बुरी तरीके से मुझे ट्रीट करें। तो मैं ये नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि मैं कहीं बाहर जाऊँ तो नाम कमा के आऊँ, ना कि नाम हंसा के आऊँ। तो मैं इसी वजह से, जैसे कि आप जहाँ तक जानते हैं कि हीरोइन रोल का प्लेटफॉर्म जो रहता है ज़्यादातर शॉर्ट कपड़े और शॉर्ट कपड़े पहनती हैं, हॉट सीन बेड सीन इन लोगों का ज़्यादा रहता है, तो मुझे खुद नहीं पसंद है शॉर्ट कपड़े या फिर हॉट सीन, इसलिए मैं हीरोइन का रोल कभी नहीं लेना चाहूँगी। और मतलब जैसे ये बताइए कि जैसे जब आप अपने मायके थी और अब ससुराल में रह रही हैं ना इस समय, तो मतलब जैसे मतलब घर से ससुराल आना और इन सब पर आना, जैसे लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि ये जो लोग मतलब चलाते हैं ये लोग सब फालतू टाइम करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं रहता है, तो इसका सोशल मीडिया का आपके लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा है? मेरे इफेक्ट ये पड़ा है कि पहली बात तो अच्छे से टाइम पास हो जाता है जी, और दूसरी बात जैसे कि हम लेडीज़ लोग का काम क्या रहता है कि जब खाली टाइम रहता है तो चार जगह चार औरत बैठ जाएंगी, उनकी बुराई वो करेंगी, चार दिन के बाद पूछवन होगा, फिर झोटा झोटावन होगा, यही होता है गांव में। तो इसके माध्यम से मैं जानती हूँ कि सोशल मीडिया अच्छा है, देश दुनिया की हर बातें पता चल जाती हैं और हम लोग का जो दिमाग है वो खुलता रहता है और बाकी मनोरंजन तो हो ही जाता है। भाभी जी बताइए कि मैंने सुना था कि लॉकडाउन में कि आपके जो हस्बैंड है उनका बिजनेस मतलब थोड़ा ख़राब चल रहा था, तो आपने मतलब उनका कैसे हेल्प किया, कैसे उनको उनके साथ मतलब आगे कदम से कदम बढ़ाकर आप चली उनके साथ, उनको कैसे सपोर्ट किया? मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया और मैंने जैसे कि मेरा घर चौराहे पे है तो इसका मैंने फ़ायदा उठाया जी, और उन्होंने मेरा हेल्प नहीं किया इसमें बल्कि मैं ही उनका हेल्प की, क्योंकि वो थोड़ा सा जैसे कोई मेहनत वाला काम करने से वो शर्माते हैं, क्योंकि शुरू से ही वो अच्छे से रहे हैं। क्या बिजनेस था आपके हस्बैंड का? बिजनेस का मेरे हस्बैंड ये थोक रेट में जैसे दुकान पर सेल्समैन है, पेन सेल्स करते थे पहले, उसके बाद गर्मी में वो टी शर्ट सेल करते थे, तो दोनों काम उनका बंद हो गया था, जैसे कि आप जान रहे हैं कि स्कूल बंद था तो पेन का कोई काम नहीं चल रहा था, तो ऐसे में दाल रोटी तो कहीं ना कहीं से लगाना पड़ेगा ही, तो उसके लिए मैंने पकौड़ी छानना स्टार्ट किया घर में अपने अंदर, और जी घर में अंदर मेरी जगह है बहुत सारा, कोई आता जाता नहीं, अंदर आंगन है खुला है और उधर कोई आता नहीं है, तो उधर मैंने अंदर मतलब पकौड़ी छान करके, और मेरा छोटा देवर है होगा 15 साल का होगा, वो बाहर लगा के बेचता था, मैं अंदर से छान के दे देती हूँ। तो मतलब लॉकडाउन में आपने ऐसे सपोर्ट किया अपनी फैमिली वालों का? मैंने अपनी फैमिली का ही नहीं, मैंने मतलब पूरे परिवार का, यहाँ तक कि मैंने सबका खर्चा उठाया था, पूरे परिवार। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने काफ़ी मतलब मेहनत करके उसे निभाया, तो बहुत अच्छी बात रही। भाभी जी ये बताइए कि मतलब जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं एक कॉमेडी वीडियो भी बनाती हूँ, तो जिसका मेरा पूरा टीम है, तो टीम में राजन भैया हैं और बीरू जानी हैं, मैं हूँ और मतलब अदर 3-4 लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं जानती हूँ, और 7-8 लोग हमारे कॉमेडी वीडियो में हिस्सा लेते हैं, और हम लोग मतलब कॉमेडी वीडियो से मतलब मेरे कुछ पैसे आ जाते हैं और फिर उससे भी आ जाते हैं, मेरी फिल्म सिटी से भी पैसे आ जाते हैं, तो इस तरह से मेरे हस्बैंड का मतलब। तो मतलब अभी जैसे आपको फिल्म मतलब शूटिंग करने के लिए तो बाहर जाना भी तो पड़ता होगा जी, जी बाहर। तो मतलब क्या आप अप डाउन करती हैं डेली घर से ही? नहीं, 2-3 दिन मान लीजिए, अगर 2 दिन का शूट है तो, अगर मान लीजिए 1 दिन का शूट है तो मैं सुबह 6 बजे घर निकल जाती हूँ और 9 बजे तक मैं फिल्म सिटी पहुँच जाती हूँ, तो वहाँ पे अच्छे से दिन भर शूट हो जाता है, 7-8 बजे तक अगर मैं खाली हो जाती हूँ तो मैं फिर रिटर्न आ जाती हूँ, और 2-3 दिन का रहता है तो मैं वहीं से रुक जाती हूँ हस्बैंड के साथ जी। आपने अधिकतर मतलब वीडियोज कहाँ पर शूट किया था, घर पर ही या फिर और कहीं? नहीं नहीं, अपने घर पे ही मैं वीडियो शूट करती हूँ, आंगन में करती हूँ, अगर यहाँ भी करती हूँ, ये मेरे बुआ का घर है जी, जी यहाँ पर मैं करती हूँ, मैं कहीं दूसरी जगह नहीं जाती हूँ, कभी कभी अपने खेत पर चली जाती हूँ, मेरे गाँव में एक और घर है जहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं जी, वहाँ भी कभी कभी चली जाती हूँ। नमस्कार प्रणाम,
हम गोरखपुरिया फौजी कोर्ट छुके गौर लागत नहीं तो कैसन मानी रहुआ लोग बताए जा जरूर ई बाबू हमरा से मिले आयल बड़ा बस्ती जिला से बस्ती से ना जी बस्ती से आयल बड़ा मिले है और हमार कुछ इंटरव्यू पूछना है जौने का हम जवाब दे ले बाटी और आप लोग बताए कि कैसा लगा हमारा इंटरव्यू और आप लोग अगर मूवी में फिल्म में एल्बम में काम करना चाहते हैं तो हम भी वेलकम फिल्म सिटी वर्ल्ड पे आई और काम करी और बहुत सारा काम वहाँ पर मिली आप लोग के जैसा आप लोग का काम रही वैसा आप लोगों के काम मिली और फिलहाल इनका चैनल के आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करब और साथ में एक बेल आइकन घंटी भी दबा दें और तब तक के लिए जय श्री राम नमस्कार प्रणाम और हमारे देवर कौन लोन स्वस्थ रहो मस्त रहो व्यस्त रहो और जहाँ जहाँ रहा वहाँ लोन जबरदस्त रहो।